बड़े बुजुर्ग कहा करते थे खिचड़ी ना, क्या कहावत था कुछ तो कहावत था लेकिन हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन कहावत तो था कुछ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से हमारे एक नए से ब्लॉग में। रुको जरा, सबर करो। तो आइए चलते हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी टाइम दिखा दें कितना बज रहा है भाई, 11:30 हो चुका है और अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि आज है शनिवार तो स्पेशल कुछ आज डिश बनना चाहिए था, तो आज बना है हलवा का नाश्ता। नहीं हुआ हलवा, थोड़ा सा नाश्ता किए थे, भूल गए थे, सॉरी। जाके इलाज करो अपना। तो आज बना है एकदम मस्त वाला बिहारी वाला खाना, जो कि बिहार का सबसे फेमस खाना है भाई, खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी का आज आपको दर्शन कराते हैं और टेस्ट हम करेंगे, दर्शन आपको कराएंगे। अच्छा, तो ये वर्ल्ड फेमस डिश है बॉस, खिचड़ी। तो खिचड़ी में खिचड़ी का 5 यार होता है, ऐसा आपको बता दें, गांव घर में कहावत है कि 5 यार, घी, पापड़, दही, अचार, पचमा चार पूरा। पाँच ही पूरा है, पचमा घी, पापड़, दही, अचार, चोखा। हाँ, 5 पूर गया दोस्तों। तो साथ में आज मेरा कुछ और भी एक्स्ट्रा, दही नहीं है, घी है, अब बाकी दही के अलावा सब कुछ है, जाते लाने के लिए लेकिन नहीं ला पाए। तो चलो, तो बैठ के मस्त हम लोग जमीन पे वो भी एकदम देसी भाव में खाने वाले हैं आज खिचड़ी। कोई बहुत बड़ा डिश नहीं है लेकिन बिहार के हैं भाई, देसी खांटी गुआर हैं, तो इस वजह से ये हम लोग का एक पारंपरिक भोजन है और इसका महत्व बड़े बुजुर्ग कहा करते थे खिचड़ी ना, क्या कहा? अच्छा, कहावत है कुछ तो कहावत था लेकिन बात तो सही है हमको नहीं याद आ रहा, लेकिन कहावत तो था कुछ तो था। तो ये चीज़ सोचे आज आपको ब्लॉग में ये चीज़ का दर्शन दिला दे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो मस्त आप बनाइए और खाइए, और शनिवार का गढ़ा भी कटा जाता है, इस कहावत है कि गढ़ा भी कटता है इससे, तो बहुत ज्यादा इससे फायदा जुड़ा हुआ है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? खिचड़ी हाँ, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही होता है ये दोस्तों, ये बात तो है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो आज मस्त बना है, तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या बना है। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं पापड़ के साथ खिचड़ी, इसमें सबसे बड़ी बात जो पापड़ का जो टेस्ट आता है, ऐसे खाएंगे तो अब मज़ा नहीं आएगा, खिचड़ी के साथ जो टेस्ट आता है ना बॉस, इस तरह से तो भाई साहब ये रहा मेरा आज का वर्ल्ड फेमस खिचड़ी, है ना? कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता है लेकिन बिल्कुल पौष्टिक और सेहत के लिए अच्छा होता है। तो क्या क्या आज लिए हैं हम खिचड़ी में, तो सबसे पहले नंबर तो ये वर्ल्ड फेमस खिचड़ी आपका देख सकते हैं, साथ में है पापड़, चोखा, अचार। अचार दो प्रकार का है दोस्तों, एक आम का है, एक कटहल का है, और साथ में कुछ ये हम लोगों इसको फोफी बोलते हैं, फोफी ये मछली वाला चिप्स होता है, मतलब दोनों का अलग अलग कैटेगरी है और इसको हर जगह अपना अपना कुछ बोलता होगा, हम लोग लेकिन फोफी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको ख़त्म करते हैं, और मेरा टुका मस्त एकदम सोया हुआ है, अभी इसको जगाएंगे नहीं, जगाएंगे तो जग जाएगा तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, क्या होगा, बवंडर हो जाएगा। करते हैं इसको शुरू और करते हैं इसको ख़त्म, ठीक है? साथ दे रही है हमको ये, ठीक है? अब उधर नहीं बैठे हैं, उधर थोड़ा रूम बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि मेरा चुक्का यहाँ पे सोया हुआ है इस वजह से, और थोड़े देर में जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करते हैं, जाना पड़ेगा लाडू को लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको ख़त्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए संडे स्टॉक में, क्या बोला तूने, सैटरडे स्टॉक में इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।